रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल सबसे तेज सबसे आगे। आज नरेला में डेमोलिशन, वैसे तो कल भी की गई थी लेकिन फिलहाल जो आज डेमोलिशन की गई है उसका नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शासन प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ जो एग्रीकल्चर लैंड पर मकान बनाए गए थे उनको बड़ी संख्या में घेरा गया है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मकानों पर कार्रवाई की गई है, ये नरेला SDM द्वारा की गई है। पूरे आज लश्कर के साथ में, ये मान लीजिए पूरी फौज लेके आए हुए थे, जिसमें कि ज़्यादा कोई मकान नहीं तोड़े गए हैं, 5-7-10 मकान है। पूरी तरह से एक तरफा कार्रवाई की गई है। ये क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम नगेंद्र खत्री है और मेरा ये मकान है यहाँ पे। अच्छा। और जी मैंने प्रशासन को भी 20,000 रुपए दिए थे और डीलरों ने पैसे दिए हैं और पूरी तरह से एक तरफा कार्रवाई करी गई है। और जिन्होंने पैसे दे दिए उनके मकान छोड़ दिए और उनकी कॉलोनियों को भी हाथ लगाया, जबकि इसके बाद भी काफी कॉलोनियां बनी है। ये कॉलोनी तो 3 साल से बनी हुई है, इसके बाद भी 1 साल में भी कई कॉलोनियां बनी है, उनके लिए आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जिनके पैसे पहुंच जाते हैं उनके उनके मकान उनको हाथ नहीं लगाया जाता, उनकी कॉलोनियों को। जिनके पैसे नहीं पहुंचते उनकी कॉलोनियों को, उनके मकानों को तोड़ा जाता है। सिर्फ एक तरफा पूरी तरह से SDM साहब एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। ये कौन सी जगह है? ये लामपुर रोड पे है जी। हाँ जी, लामपुर रोड पे लामपुर गांव से निकल के ये कॉलोनी है जी। और इस कॉलोनी को 3 साल हो गए हैं और पूरी तरह से बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई कर रहा है प्रशासन और पैसे खाने के लिए कर रहा है सिर्फ। आपका नाम? मेरा नाम गौरव सैनी है। गौरव जी, कैसी कार्रवाई हुई है? भारी उत्तरी दिल्ली नरेला थाना इलाके के लामपुर गांव में खेती की जमीनों पर अवैध कॉलोनियों लगातार काटी जा रही थी, जिसके चलते SDM नरेला एग्रीकल्चर लैंड पर बनी अवैध कॉलोनियों पर चलाया सरकारी पंजे। स्थानीय लोगों ने बताया पैसे नहीं पहुंचे तो कर दी डेमोनेशन। इसके अलावा भी आसपास के इलाकों में अवैध कॉलोनियां कट रही हैं, लेकिन विभाग की तरफ से वहां कोई कार्रवाई नहीं। नरेला इलाके में अवैध कॉलोनियों की भरमार है, जिसमें स्वतंत्र नगर, लामपुर, नरेला, सफियाबाद रोड, बाकनेर आदि इलाके शामिल है। दिल्ली पुलिस व रेवेन्यू विभाग मिलकर मोटी चांद ताकता है। अवैध कॉलोनियां काटने वाले प्रॉपर्टी डीलर मोटी रकम विभाग को अदा करते हैं। जब इस मामले को लेकर SDM नरेला TN मीना से जब इस मामले को लेकर बातचीत करने की कोशिश की तो TN मीना SDM ने कैमरे के सामने बोलने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। विभाग पर स्थानीय लोगों के लगाए गए आरोप क्या सही है, क्या इसी के चलते नरेला SDM TN मीना चुप रहे? रेवेन्यू विभाग ने इस दौरान पुलिस, सिविल डिफेंस, दिल्ली दमकल विभाग को शामिल किया। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि दिल्ली दमकल विभाग को इसलिए डेमोनेशन पर बुलाया गया कि कोई आगजनी ना हो जाए। तो भीतर भी बैठे, अंदर भी आ दी। बेफिक्र है, तेरा भी आ जाएगा, टेंशन मत ले। ठीक है, पीछे जो कॉलोनियाँ थी उसमें किसी में हाथ भी टच नहीं आया। जिसके पैसे पहुंच गए उसकी तो तोड़ी नहीं गई है और जिसके पैसे नहीं पहुंचते उसकी तोड़ दी जाती है। अच्छा। गरीबों को सताया जा रहा है नाजायज। मैंने मेरा जी SO सुंदरपाल नाम है। तो सुंदरपाल जी बताया, जो डेमोलिशन के लिए आप सारे को बुलाया गया तो कैसी स्थिति रही आज की? कुल मिलाकर ठीक था, कोई हंगामा वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं होया। बिल्कुल आराम से काम चलता है। क्यों इन्वॉल्व किया गया? फायर को इसलिए इन्वॉल्व करते हैं कहीं पब्लिक वगैरह आगे आगजनी ना कर दे, इस कारण से। कोई अपने घर में खुद ही आग लगा ले, इस कारण से फायर को बुला लिया। तो ऐसा कोई मामला आया सामने? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं आया, बिल्कुल शांत था सब, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया सब। कहना है कि कुछ आरोप भी लगा रहे हैं कि जिन जैसे SDM ने जिन लोगों का पैसा पहुंच चुका है उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है और जिन लोगों का पैसा नहीं पहुंचा है उन लोगों पर कार्रवाई की गई है। ये आप देख सकते हैं कि चुनिंदा मकान ही तोड़े गए हैं, जो गरीब लोग हैं उनके ही साथ में ऐसा हुआ है। कुछ लोगों की हमने पूछताछ भी करी, उन लोगों ने SDM साहब के खिलाफ मतलब ये आरोप भी लगाया है कि पैसा लेके ही
जिनको पैसा दिया गया उनका मकान झुका तुवर, जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनके मकान को ध्वस्त कर दिया तो तोड़ दिया गया है। फिलहाल आप ये देख सकते हैं, दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।